ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल्स। सी में वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स सिंपली क्या होते हैं, एक आइडेंटिफायर होते हैं जो हमारे वैल्यूज को एक जगह प्रोवाइड करते हैं मेमोरी में। ओके, सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा नाम, एक ऐसा आइडेंटिफायर जो हमारे नंबर्स को, जो हमारी वैल्यूज को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, एक जगह देते हैं। ओके, और उस वैल्यू को हम एट द रन टाइम वी कैन चेंज इट। तो जो भी हम उस वेरिएबल में कोई वैल्यू डालेंगे, रन टाइम पे भी डाल सकते हैं हम उसको, या फिर स्टैटिक प्रोग्राम डेवलपमेंट में भी डाल सकते हैं। हम लोग दो तरह से प्रोग्राम बनाते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, तो हमारा जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो हमारा दो तरीके से होता है। एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जैसा कि आप नीचे देख रहे हो, इंटीजर एज, मैंने यहाँ पे एज इज इक्वल टू कर दिया 18। सो दिस टाइप ऑफ एलोकेशन इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब हमने प्रोग्राम में ही अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, उसको हम लोग स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। और जब हम रन टाइम पे कोई वैल्यू देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि हम जब हम रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं किसी वेरिएबल को, तो उसका मतलब है कि हम लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जितनी बार हम प्रोग्राम को रन करेंगे उतनी बार ही हम अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे तीन तरह के वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। इन सी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, और जिनको हम तीन कीवर्ड्स की हेल्प से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड होता है हमारा इंट, जो क्या करता है कि होल नंबर्स को स्टोर करके रखता है। होल नंबर्स मीन्स इसमें जितने भी नंबर होंगे वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट विदाउट एनी पॉइंट, विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। तो जो इंटीजर होता है वो हमारे विदाउट डेसिमल पॉइंट्स को सेव कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर वेरिएबल्स। दूसरा होता है हमारा फ्लोट। फ्लोट क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारे माइनस में भी आ सकते हैं और प्लस में भी आ सकते हैं। दैट मीन्स कि होल नंबर इसमें भी होते हैं, बट कि हमारे सारे नंबर्स जो माइनस में भी आएंगे और प्लस में भी आएंगे और पॉइंट्स में भी होंगे, तो वो हमारे आते हैं फ्लोट में। तीसरा होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर टाइप्स के वेरिएबल्स कैसे होते हैं, जिसमें हम लोग अपनी स्ट्रिंग्स यूज इंसर्ट कर सकते हैं, अल्फाबेट्स डाल सकते हैं। तो इनको डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कोट्स यूज करते हैं। तो आप देख रहे हो मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स को हम लोग किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि सबसे पहले हम लोग एक डाटा टाइप इनिशियलाइज करते हैं कि किस टाइप का हमें वेरिएबल बनाना है। तो हम लोग इंटीजर बना सकते हैं, कैरेक्टर बना सकते हैं, फ्लोट बना सकते हैं, डबल बना सकते हैं। तो ये हमारे होंगे डाटा टाइप। दूसरा होगा वेरिएबल का नाम, आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेरिएबल नेम, और फिर होगा उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अब वेरिएबल बनाने के क्या रूल्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे नहीं कि हम कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। सो सबसे पहली बात है कि जो वेरिएबल होता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। वेरिएबल मस्ट बी गिवन एन अप्रोप्रिएट नेम। ऐसा नहीं है कि आप एज इनिशियलाइज करना चाहते हो और आप लिख दो नेम, सो नेम में आप डाल दो एज, वैसा नहीं करना चाहिए। हमें कोई मीनिंगफुल नेम ही वेरिएबल को देना चाहिए। वेरिएबल नेम बीइंग विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम हमेशा एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। आप किसी भी वेरिएबल नेम को पॉइंट से नहीं बना सकते, आप नंबर से किसी भी वेरिएबल को नहीं बना सकते। तो ये कुछ रूल्स होते हैं। तीसरा रूल होता है वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर सच एज हैज, एट द रेट और डॉलर सिंबल। इस तरह के जो हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो वेरिएबल नेम में नहीं आने चाहिए। तीसरा होता है, फोर्थ होता है, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेस। वेरिएबल नेम में बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। अगर आपको सपोज लिखना है फर्स्ट नेम, तो यू हैव टू इनिशियलाइज लाइक फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। आपको बीच में अंडरस्कोर लगाने की फैसिलिटी मिल सकती है यहाँ पर, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लाइक दिस यू कैन इनिशियलाइज, बट आप फर्स्ट स्पेस नेम, ये अलाउड नहीं है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के टाइम पर। वेरिएबल नेम मस्ट बी यूनिक। अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको वेरिएबल का नाम अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग रखना चाहिए। अगर आप सपोज फर्स्ट नेम के लिए भी एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हो, लास्ट नेम के लिए भी एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हो, सो दैट इज दैट विल बी द वार्निंग। आपको प्रोग्राम में वार्निंग मिल जाएगी। वेरिएबल नेम मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर बीइंग यूज्ड। यस, तो क्योंकि एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है सी, तो हम लोगों को जो वेरिएबल होते हैं उनको
जहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके जस्ट ऊपर या प्रोग्राम में टॉप पर इनिशियलाइज कर देना चाहिए। तो ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि किस तरह से कहाँ कहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइज होते हैं, तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर विद अ स्पेसिफिक डाटा टाइप। यस, तो ये भी होना चाहिए कि आप ऐसे ही नहीं कि खाली आपने लिख दिया ए इज इक्वल टू 5, सो दिस इज नॉट अलाउड। यू हैव टू मैंशन लाइक इफ यू आर यूजिंग इंट ए इज इक्वल टू 5, दिस इज अलाउड, राइट। तो आपको डाटा टाइप भी मैंशन करना होगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। रिजर्व वर्ड सच एज इंटीजर्स, दैट मीन्स कि जो हमारे कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं सी में, हमारे अप्रोक्स 32 रिजर्व वर्ड हैं सी लैंग्वेज में, उनको आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो द रूल्स टर्म्स एंड डिक्लेरेशन।